बर्बाद तो नहीं होगा। हाँ, तो मई में ऐसा ना हो कि भाई आपने ट्रिप प्लान करी और पूरा पैसा आपका ट्रिप का बर्बाद हो जाए। और देखो हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो वेव्स की साउंड होती है। आप समझ लो भाई अब गोवा खाली होने लगा। ये वीकेंड था, ये थोड़े से लोग यहाँ पे हैं। और अप्रैल जो है अभी इतना गर्म हो चुका है, मतलब दोपहर इतनी गर्म हो जाती है, आप सोचो ऐसी धूप में ना, तो गर्मी तो आप एकदम सोच के आओ कि भाई मई में जा रहे हैं तो गर्मी तो मिलने वाली है। तो मतलब आप आ रहे हो ना उस पर्पज से एंजॉय करने के, भाई ठीक है जाएंगे बीच में मस्ती करेंगे। तो सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो अपन अभी निकल रहे हैं आज अगोंडा बीच की तरफ। आज मार्केट का कोई काम नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं पहले सुबह सुबह अगोंडा बीच पे, छोटे मोटे सामान लेने हैं तो इधर से लेके आएंगे। इधर है एक दो वेजिटेबल्स की शॉप है, तो उधर से खरीद लेंगे। इधर शॉप्स होते हैं वेजिटेबल के, ठेले नहीं होते। हाँ, दिल्ली में क्या सुबह सुबह फेरी वाले आ जाते हैं उनसे ले लो, या फिर मार्केट में निकलो तो सुबह मंडी लगी होती है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा तो हम चावड़ी से लाते हैं, पर जैसे आज और कुछ काम नहीं, बस थोड़े से टमाटर लेने हैं, टमाटर लेने हैं, तो इसलिए सोचा इधर से ले लेते हैं, क्यों उधर तक जाना। टमाटर लेने होते तो जाते होते। तो चलते हैं बीच पे भी घूम के आएंगे, थोड़ी देर वॉक करेंगे और बाकी इधर का माहौल दिखाते हैं। और आज शेयर करेंगे इस वीडियो में भाई, मई में अगर आप प्लान बना रहे हो तो कैसा रहेगा आना, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा अप्रैल निकल गया है, तो मई के लिए लोग अभी से प्लानिंग करते हैं, तो कैसा रहने वाला है वेदर वगैरह, आप उसके अकॉर्डिंग कर सको और ज़्यादा अच्छे से। चलो चलते हैं। तो जी ये पहुंच चुके हैं हम बीच पे, और ये देखो क्राउड तो मतलब गायब। ये देखो कितनी दूर तक देख लो आप, गिना चुना क्राउड है, बस बिल्कुल भी नहीं है बाकी। चलते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा इधर का माहौल दिखाते हैं। ये वीकेंड काफ़ी अच्छा था, और अब जो आने वाला टाइम रहेगा वो हल्का ही हल्का रहेगा। पिछला वीकेंड काफ़ी अच्छा गया था, लो टाइड हो रखा है, काफ़ी पीछे तक वेव्स हैं। आज हम प्लान बना रहे थे कि भाई आज चलेंगे सी पे, पर अक्षु का क्या है कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज नहीं चलते, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, सो दैट अक्षु के एग्ज़ाम का टेंशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आराम से ज़्यादा टाइम तक रुक सकते हैं। फिलहाल जी तो रखा है बहुत खूबसूरत इस टाइम पर, मौसम भी ये चीज़ है। ये देखो जी ये बैठी हुई है, हाँ कुछ चोट वोट लग गई होगी है तो, हाँ इधर बैठी हुई है। तो जी ऐसा कुछ हो रखा है यहाँ पे अपना अगोंडा बीच का माहौल, ये देखो इधर को यूजुअली क्राउड होता है, लेकिन संडे का दिन है और बिल्कुल भी क्राउड नहीं है दूर दूर तक। तो आप समझ लो भाई अब गोवा खाली होने लगा। ये वीकेंड था, ये थोड़े से लोग यहाँ पे हैं बिल्कुल एंड में। हाँ हाँ बिल्कुल एंड में है, बस थोड़े से लोग, एक दो बोट उठ जा रही है, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं, कहने का मतलब पूरा ये है, ज़्यादा लोग अब नहीं मिलने वाले आपको इधर। नहीं तो ये टाइम पे तो पूरा भरा होता था। हाँ लोग बिल्कुल, इधर को भी देखो पूरा खाली है। चलते हैं उधर, चलते हैं एंड में पत्थरों पर, आज वॉक करते हुए। ये वेव्स की साउंड सुनो आप, ये वेव्स की साउंड ना सीजन की अलग होती है, ऑफ सीजन की अलग होती है। हाँ और बहुत ही सूदिंग होती है, मतलब रिलैक्स फील कराती है आपके माइंड को। देखो जैसे अभी सीजन की है ना, ये स्टिल सीजन है। हाँ तो अभी ऐसा वेव आएगी, थोड़ी देर साइलेंस रहेगा, फिर दूसरी आएगी। हाँ साउंड मतलब चेंज हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे ये वेव रुकती नहीं है उस टाइम पे। तो जी अभी जो है धूप बड़ी कड़क है, कल तक बारिश है मतलब बादल थे सुबह सुबह में, आज से धूप बड़ी कड़क हो गई, तो हम ठंड ढूंढ रहे थे, ठंड मिली है। देखो ये पत्थर, तो पत्थर के जड़ में हम बैठेंगे इधर, तो जी इधर अपना कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ बैठ के शूट करते हैं, क्योंकि तो उधर तो कहीं पे ठंड देखो दिख ही नहीं रही दूर दूर तक आपको। हाँ
तो जी अब बात करते हैं कि भाई मई में ट्रिप करना कैसा रहेगा, मतलब घाट पैसा ही बर्बाद तो नहीं होगा? हाँ, तो मई में ऐसा ना हो कि भाई आपने ट्रिप प्लान करी और पूरा पैसा आपका ट्रिप का बर्बाद हो जाए। तो कैसा रहने वाला है मई का मौसम, थोड़ा उसके बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि अभी दो दिन से तीन दिन से ना लगातार सुबह सुबह बादल रहते थे और ह्यूमिडिटी बहुत हाई थी, आज चेंज हो गया एकदम चार पाँच दिन में। तो आज धूप निकली है बड़ी अच्छी और बादल आज बिल्कुल भी नहीं है सुबह से ही, लेकिन हवा भी आज चल रही है। पर ऐसा ये जो है रहेगा एक दो घंटा या 12 या 2 बजे तक शाम में फिर से हो सकता है ह्यूमिडिटी हो जाए। तो ये और अप्रैल जो है अभी इतना गर्म हो चुका है, मतलब दोपहर इतनी गर्म हो जाती है, आप सोचो ऐसी धूप में ना क्या हालत होती होगी। क्या घूमोगे, मतलब देखो घूमने के लिए ना बंदा क्या सोच के आता है, अपने यहाँ के वेदर से चेंज चाहता है, एक्सट्रीम वेदर से। बिल्कुल, जैसे आप आते हो भाई जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में या नवंबर में, तो नॉर्थ में होती है ये टाइम पे ठंड और एक्सट्रीम ठंड। तो एक्सट्रीम ठंड से ना आपको राहत चाहिए होती है, इसलिए आप गोवा आते हो, और गोवा में सूदिंग वेदर होता है। बट जैसे ही मार्च शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई, ये तीन महीने इतने गर्म होते हैं ना यहाँ के, बहुत गर्म। तो अगर आप वो गर्मी झेलने के लिए तैयार हो तभी प्लान करना आपको, अगर गर्मी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि भाई हम सीने एंजॉय कर लेंगे। पर एक चीज़ और ही आप रखने वाली है, मई में सी में भी उतना एंजॉय नहीं कर पाते, सी ऐसा रफ हो जाता है, लिटरली आपको धक्के मार के बाहर निकालता है। हाँ, उस टाइम ना वेव्स थोड़ी सी तेज हो जाती, करंट हाई रहता है, और मतलब जितनी गर्मी अभी है ना इससे गर्मी आपको डबल मिलने वाली है मई में। तो गर्मी तो आप एकदम सोच के आओ कि भाई मई में जा रहे हैं तो गर्मी तो मिलने वाली है। और देखो हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो वेव्स की साउंड होती है, उसका एक अलग ही आनंद आता है हमें भी और आपको भी, सुनने में पीछे आता रहता होगा साउंड। तो इसलिए मैं इसे कट नहीं करता हूँ, ना ही माइक यूज करता हूँ, वो साउंड मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ में भी और वैसे भी। आप कमेंट करके भी बताना कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। कभी हम शूट करने के लिए बीच पे भी आए थे, नहीं तो ये तो घर से भी कर सकते थे। फील भी तो आना चाहिए ना गोवा का। तो जी मई में वेदर तो आपको एक्सट्रीम हॉट मिलने वाला है, मतलब गर्म मिलने वाला है, और हाँ बारिशें भी मिलेंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब एक दिन हो सकता है बीच में बारिश मिल जाए। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फिर बारिश होती है, जैसे अभी प्रेडिक्ट थी बारिश, लेकिन आज मौसम थोड़ा खुल गया, दो दिन से बादल थे तो अभी नहीं हो रही, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है बरसात है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी अगर कंपेयर करें और महीनों को और साल को। तो हाँ, तो ये तो हो गया भाई वेदर की बात, तो वेदर आपको मिलेगा अच्छा वाला। तो भाई अब बात करते हैं खुला क्या क्या मिलेगा मई में। तो मई में देखो बीच सैक वगैरह सारे ओपन मिलेंगे, हो सकता है 10 या 20% बंद हो जाए मई में। तो जैसे कि वीकेंड वाला क्राउड रह गया तो कुछ लोग जो है वो बंद करके इधर से चले जाते हैं लद्दाख की तरफ ओपन करते हैं, मनाली, मतलब ठंडी जगहों पर, तो वो लोग बंद करके जल्दी उधर की तरफ जाके अपना देखते हैं। और आप मान के चलो 20% बंद हो सकते हैं बीस सेक। बाकी वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो भाई साउथ गोवा के अंदर वाटर स्पोर्ट्स जो है आपको सारे ओपन मिलेंगे, और नॉर्थ गोवा के तो ओपन मिलेंगे कभी बंद होते, और नॉर्थ गोवा के बीस सेक भी कभी बंद नहीं होते, वो भी आपको ओपन मिलने वाले हैं मई में। तो नॉर्थ गोवा जा रहे हो तो वहाँ पे वो पार्टी क्लब वाला वो सारा माहौल आपका बड़ा अच्छे से निकल जाएगा। 7 मई के बाद तो आप टेंशन फ्री घूम पाओगे, क्योंकि 7 मई को इलेक्शन है, उसके बाद में जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो भी आपकी जो है हट जाएंगी, काउंटिंग तक रहेंगी, शायद काउंटिंग तक रहता है ये चीज़ें, जिस दिन काउंटिंग हो गई उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हट जाती हैं। तो मतलब आप आ रहे हो ना उस पर्पज़ से एंजॉय करने के, भाई ठीक है जाएंगे बीच में मस्ती करेंगे, तो वो सब आप आराम से कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा लेट नाइट तक रेस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं कि भाई लास्ट मतलब म्यूजिक, हाँ म्यूजिक नहीं चल रहा लेट नाइट तक, ये सब चीज़ें वो थोड़ी सी आप हो सकता है मिस कर सकते हो। कैसीनो वगैरह वो बंद नहीं होंगे, वो ओपन रहते हैं, तो उस पर हो सकता है बस इलेक्शन वाले दिन या फिर काउंटिंग वाले दिन वो बंद रहे, बाकी और किसी दिन शायद वो बंद नहीं रहने वाले हैं बिल्कुल। तो जी कुछ ऐसा माहौल रहेगा, और गर्मी बस मेन वही है वो आपको मिलने वाली है। अभी भी जो लोग आ रहे हैं ट्रिप करने तो वो भी बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस टाइम पे, दोपहर में काफ़ी मतलब जलाने वाली धूप हो जाती है जैसा क्या। तो सीना बिल्कुल स्विमिंग वाला हो रखा है, हम मिस कर रहे हैं, आज अच्छा होता तो हम स्विमिंग करके जाते, चलो एक दिन की बात है परसों से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी चलते हैं, थोड़ा आपको मई का अपडेट दिया इस वीडियो में। सुबह का 9:15 का टाइम हो रहा है और धूप देखो कैसी कड़क निकली है आज,
रोज नहीं निकलती, आज ज़्यादा कड़क है। रोज तो मतलब सुबह में बादल ही रहते थे, आज अच्छी गर्मी रहने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे दिन में, लेकिन हवा चल रही है ये अच्छी चीज़ है। बीच साइड आपको हवा मिलेगी, बीच से पीछे जाओगे 100 मीटर पीछे तो आपको थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है, और जितना पीछे जाते जाओगे उतना आपको प्लीजेंट वेदर मिलने वाला है। तो बीच की तरफ थोड़ा सा हाई रहती है ह्यूमिडिटी। तो भाई अगर बात करें मई मंथ में कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ट्रिप करने में, तो ऐसा तो नहीं है, पैसा बर्बाद तो नहीं होगा। अगर आपका मन है एंजॉय करने का तो कर सकते हो, गर्मी ज़रूर आपको फील होगी, बाकी अगर एक्टिविटीज़ करना चाहोगे तो वो तो सारी कर सकते हो ऑलमोस्ट। आप देखो अगर आप गोवा लवर हो आपको पैसा भी गोवा पसंद है, गोवा का पैसा कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन अगर आप हाँ प्लेजेंट वेदर सोच के आ रहे हो तो नहीं है, हाँ फिर पैसा बर्बाद है, गर्मी तो बिल्कुल। तो जी चलो अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि गर्मी अभी बढ़ने वाली है और हमें भी गर्मी लगने लगी, जाके अपने काम धाम में लगते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, थोड़ा सा गोंडा बीच दिखाया, बाकी मई का अपडेट दिया आपको, अप्रैल का क्या चल रहा है करंट सिचुएशन वो भी आपको इसमें पता चल ही गया होगा, गर्मी उर्मी का सारा कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल नहीं किया है अभी तक, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।